चांद से इंडिया का पहला संपर्क। इसरो ने भेजा था मून इंपैक्ट प्रोब। जानबूझकर क्रैश किया अपना स्पेसक्राफ्ट। चंद्रयान एक संग चंद्रयान तीन का रिश्ता। तारीख 17 नवंबर 2008, समय रात के 8:06। आंध्र प्रदेश में इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे हुए अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने एक बटन दबाया जिसका असर लाखों मील दूर चांद पर हुआ। चंदामामा को अपनी धरती पर एक तेज धमाका सुनाई दिया, एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज आज 15 सालों बाद भी सुनाई दे रही है, एक ऐसी गूंज जिसने भारत के मिशन मून को तेज गति प्रदान की, एक ऐसी गूंज जिसने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशन की नींव रखी। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और हमारी इस खास पेशकश में बात उसी मून इंपैक्ट प्रोब के चांद पर क्रैश लैंडिंग की। इसरो ने कराई थी क्रैश लैंडिंग। चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग सबको याद है, मगर बहुत कम लोगों को याद होगा कि चंद्रयान 3 से बहुत पहले नवंबर 2008 को इसरो ने जानबूझकर चंद्रमा पर अपना एक अंतरिक्ष यान नष्ट करवा दिया था। अपने मिशन के तहत भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान मिशन लॉन्च करने के साथ ही भारत ने दुनिया को पृथ्वी की कक्षा के बाहर किसी अन्य खगोलीय पिंड पर मिशन भेजने की अपनी क्षमताओं की घोषणा कर दी थी। तब तक केवल 4 अन्य देश दुनिया में एक ऐसा मिशन भेजने में कामयाब हो पाए थे। उन 4 देशों में अमेरिका, रूस और यूरोप के अलावा जापान भी शामिल था। भारत 5वें स्थान पर रहा। इसरो को भले ही अपने यान को जानबूझकर नष्ट करना पड़ा था, लेकिन भारत के चंद्रयान मिशन के जरिए चांद की सतह पर पानी पाया गया और फिर भारत का भी नाम इस ऐतिहासिक लिस्ट में शामिल हो गया। क्रैश कराने के लिए खास इंतजाम। इसरो के उस अंतरिक्ष यान के अंदर 32 किलोग्राम का एक जांच यंत्र छिपा हुआ था जिसका एकमात्र उद्देश्य यान को दुर्घटनाग्रस्त कराना था। उन्होंने इसे मून इंपैक्ट प्रोब कहा। 17 नवंबर 2008 की रात को लगभग 8:06 पर इसरो के मिशन नियंत्रण रूम में बैठे वैज्ञानिकों ने चंद्रमा प्रभाव जांच को नष्ट करने वाले आदेशों को मंजूर किया। कुछ ही घंटों में चांद की खामोश दुनिया धमाके को महसूस करने वाली थी। चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से मून इंपैक्ट प्रोब ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। जैसे ही जांच चांद्रयान ऑर्बिटर से दूर जाने लगा, इसके ऑनबोर्ड पिन अप रॉकेट सक्रिय हो गए और चांद की ओर जाने वाले मिशन का मार्गदर्शन करने लगे। क्रैश लैंडिंग से क्या मिला? चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ते हुए जूते के डिब्बे के आकार का जांच उपकरण सिर्फ धातु का एक टुकड़ा भर नहीं था, बल्कि इसके अंदर 3 उपकरणों को ले जाने के लिए एक जटिल रूप से डिजाइन की गई मशीन थी। एक वीडियो इमेजिनिंग सिस्टम, एक रडार अल्टीमीटर और एक मास स्पेक्ट्रोमीटर, ताकि वो इसरो को बता सकें कि वो क्या खोजने वाले हैं। जबकि वीडियो इमेजिनिंग प्रणाली को तस्वीरें लेने और उन्हें बेंगलुरु वापस भेजने के लिए डिजाइन किया जा रहा था। भविष्य के अभियानों की नींव। जैसे ही सतह ऊपर आने लगी, अंदर पैक किए गए उपकरणों ने ऑर्बिटर के ऊपरी हिस्से में डेटा संचारित करना शुरू कर दिया, जिसे इसकी रीड आउट मेमोरी में रिकॉर्ड किया गया और बाद में गहन विश्लेषण के लिए भारत भेज दिया गया। चंद्रयान से निकलने के लगभग 25 मिनट बाद मून इंपैक्ट प्रोब को अपने भाग्य का सामना करना पड़ा। चंद्रमा की सतह पर एक कठिन लैंडिंग करनी पड़ी। यह मिशन बहुत मुश्किलों से पूरा किया गया। इसरो ने एक ऐसे अंतरिक्षयान को दूसरी दुनिया में दुर्घटनाग्रस्त करा के इतिहास रच दिया था, जो प्राचीन काल से मानव प्रजाति के लिए एक पहेली बनी हुई थी। लेकिन इससे क्या हासिल हुआ? इन 3 उपकरणों का डेटा संभावित रूप से 2019 में चंद्रयान 2 और 2023 में चंद्रयान 3 मिशन की नींव रखने वाला था। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।